100% 6 स्टार गेन करना है सिर्फ बारबेरियन को यूज करके। ये वाला छोटे छोटे फुद्दू से बारबेरियन को यूज करके हमें 6 स्टार करना है। हमारे पास जो बारबेरियन है जो ओल्ड वाला 2 वो बहुत ही मैक्स नहीं है, लेवल 12 का है, मुझे खास याद नहीं था। हाँ लेवल 12 का है, इसे हम लोग अपग्रेड के लिए तो डाल देंगे, लेकिन ये वाला अभी मैक्स होगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन सारे के सारे बारबेरियंस को लेके हम लोग आज अटैक करने चलेंगे और 200% 6 स्टार गेन करेंगे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा वहाँ पे हमें बैटल मशीन को डिप्लॉय कर देने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे उस वाले ओपोनेंट की बैटल मशीन के प्लेटफॉर्म के पास मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया है और चारों तरफ से सर्जिकली दो दो करके मैंने बारबेरियंस को डिप्लॉय कर दिए हैं, क्योंकि सर्जिकली करूँगा तो छोटे छोटे डिफेंसेस को या छोटे छोटे ऑफेंस बिल्डिंग को ये फोड़ते रहेंगे, साथ में वॉल फोड़ते रहेंगे। उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा वही होगा इसका एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन। तो हमें 3 स्टार मतलब 200% 3 स्टार मतलब 6 स्टार 200% ये कंप्लीट करना है इस वाले अटैक से। लेकिन मुझे एकदम नहीं लगता कि ये 2 स्टार भी होने वाला है। 67% होके मुझे लगता है ये वाला अटैक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, 2 स्टार भी नहीं हो पाएगा। लेकिन 71% और 2 स्टार यहाँ पे गेन हो चुका है, 75% यहाँ पे गेन हो चुका है। मुझे लगता है थोड़ा 80% के आसपास ये जा सकता है, जैसे कि 78% का वैल्यू तो हमें मिल चुका है, कुछ बारबेरियन यहाँ पे ज़िंदा हैं, तो यहाँ पे 78% का वैल्यू यहाँ पे देके ये वाला अटैक होता है 0% मतलब 78% और कंप्लीट, क्योंकि ये वाला अटैक 200% नहीं हो पाया। तो चलेंगे हम लोग दूसरे वाले अटैक के लिए। दूसरे वाले अटैक के अंदर बेस तो कुछ बहुत ही तगड़ा सा बेस तो है नहीं, लेकिन हमें वही करना है, सर्जिकली डिप्लॉय करते जाना है, जैसे जहाँ पे लूप मिलता है या तो कुछ भी चीज़ें ऐसे खाली पड़े रहता है जिससे हमें परसेंटेज मिल सकता है। तो इसको हम लोग 3 स्टार करने के बाद ही हम लोग जा पाएंगे दूसरे वाले बेस पे। तो इसे पहले 3 स्टार करते हैं। पहले मैंने एकदम रैंडमली डिप्लॉय कर दिया था सारा का सारा ट्रूप्स, अभी थोड़ा धीरे धीरे करके डिप्लॉय करेंगे। अभी भी हमारे पास 7 बारबेरियन पड़े हुए हैं, इसे भी डिप्लॉय करना है। हीरो की एबिलिटी तो देनी है, लेकिन बैटल मशीन की एबिलिटी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मर चुका है। अभी जो 3 बारबेरियन हमारे पास बचे हुए हैं इसे सर्जिकली डिप्लॉय करने के बाद मुझे लगता है ये वाला अटैक 2 स्टार आ सकता है, लेकिन थोड़ा देखते हैं। हाँ ये वाला अटैक 2 स्टार आ गया और ये वाला अटैक यहाँ पे 0% हो चुका है, मतलब 0 सेकेंड में तो 67% कंप्लीट हो चुका है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा प्रैक्टिस था, किसी ने मेरे बेस के ऊपर लाइव अटैक चालू कर दिया है, कोई बात नहीं, उसे हम लोग कभी बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे लूट कार्ट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा एलिक्सिर हमें मिल चुके हैं जिसे हमें कलेक्ट कर लेना है। तो उसे कलेक्ट करने के बाद हम लोगों को करना है चीज़ें अपग्रेड, क्योंकि ये बेस हमें तगड़ा स्टिक बनाना है, तुम्हें तो पता ही है। तो 2 मिलियन हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, तो 2 मिलियन से यहाँ पे एक आर्चर टावर बन सकता था, मतलब अपग्रेड हो सकता था, तो उसको मैंने यहाँ पे अपग्रेड के लिए डाल दिया है। ये बैकग्राउंड में अपग्रेड होता रहेगा, लेकिन हमारे पास अभी 1 बिल्डर अभी भी खाली पड़े हैं। लेकिन मैंने क्लॉक टावर पोशन को तो बूस्ट कर दिया है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रेसेस हैं जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा था, जो बाहरी ऑब्स्टेकल्स हैं जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा था, वो यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और क्लियर करते करते हमें फोकट का जो जेम्स मिलना चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी क्या करेंगे, हमारे लिए जो बारबेरियन अपग्रेड हो रहा था वो तो अपग्रेड हो ही रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एक नेक्स्ट ट्रायल लेंगे। नेक्स्ट ट्रायल में यहाँ पे आर्मी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा मेरी प्यारी जो आर्मी है, जो यहाँ पे 2 सेट बारबेरियन, 1 जायंट और 1 वॉल ब्रेकर और 2 पेका जो कि मैक्स हो चुका है। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था पेका मैंने मैक्स कर लिया है, और वो वाली स्ट्रेटजी जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी वो बहुत ही तगड़ा स्टिक तरीके से काम करती थी, इसलिए मैंने इस वाली आर्मी को चुन के मैंने यहाँ पे डिप्लॉय तो कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये वाला अटैक 3 स्टार के साथ साथ 6 स्टार भी हो सकता है, क्योंकि आर्मी थोड़ा सा डाउन जा चुका है, मतलब ये जो बॉक्सर जायंट या जायंट का हेल्थ कह लो वो मर चुका है, यहाँ पे बोलर मतलब जो हमारा वॉल ब्रेकर है वो भी मर चुका है यहाँ पे, और हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे कुछ कम, मतलब 2 स्टार तो मिल चुका है, लेकिन 2 स्टार के बाद हमें मिलेगा थोड़ा अच्छा खासा परसेंट का डिस्ट्रैक्शन, जो कि 63% का हमें पहले से मिल चुका था, लेकिन हमें गेन करना है और थोड़ा ज़्यादा।
मुझे लगता है 75% से ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैटल मशीन हमारा डाउन हो चुका है और एक ही पिक का जो कि कम हेल्थ के साथ बचा हुआ है, और डबल कैनन के सामने आके ये अपना हेल्थ थोड़ा सा ही रख पाया है। अभी क्या है, एक बॉम्ब का हिट और ये पिक का हो गया डाउन। ये वाला हो चुका है 86% का, मेरा दिमाग फिर चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा अटैक करेंगे जिसके अंदर हम लोगों को करना है एकदम 200% 6 स्टार। तो ये बेस ख़राब नहीं है, थोड़ा ध्यान से अटैक करना पड़ेगा क्योंकि ये आर्मी में मैं प्रो हूँ। तो ऐसे जाइंट को डिप्लॉय करने के बाद पीछे से वॉल ब्रेकर और बैटल मशीन के साथ दोनों के दोनों पिक का, और सर्जिकली एक एक दो दो करके जाएंगे हमारे बारबेरियंस। मैंने पिछली वाले अटैक में मैंने बारबेरियंस को एकदम एग्रेसिवली डाल दिया था, जो कि अच्छा नहीं है। थोड़ा रख रख के डालना चाहिए, एक दो बारबेरियंस को बचाना चाहिए ताकि एंड में ज़रूरत पड़ सके। तो 49% और ये 50% का वैल्यू यहाँ पे मिलने के बाद 2 स्टार तो गेन हो ही चुका है। तो और जो स्टार हमें चाहिए वो है, और भी 4 स्टार हमें चाहिए होगा ताकि इस बेस के अंदर 100% मिलने के बाद हमें मिलेगा उस बेस के अंदर भी 3 स्टार, साथ में 6 स्टार कंप्लीट करके हम लोग 200% कंप्लीट तो कर ही लेंगे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना चाहता हूँ मैं कि 100% होने के बाद ये जो बैटल मशीन का एबिलिटी अकेले अकेले कैसे गिर जाता है। अरे ये तो रस बेस है, बैटल मशीन को डिप्लॉय कर देता हूँ साथ में पीछे से वॉल ब्रेकर दोनों के दोनों पिक का, जिसकी एबिलिटी अभी भी पड़ी हुई है, और एक्स्ट्रा हमारे तीनों बारबेरियंस, तीनों नहीं चारों बारबेरियंस, जिसको हम लोग सर्जिकली पीछे से डिप्लॉय करने के बाद पेका की एबिलिटी दबा देंगे, और इससे हमको मिलेगा 200% 6 स्टार। क्योंकि देखो एक पेका की एबिलिटी है, एक की एबिलिटी नहीं है, और बॉलर की एबिलिटी आ चुकी है। इसको मैं बॉलर बोलता हूँ क्योंकि ये बॉलर जैसा बॉम्ब ड्रॉप करता जाता है। तो यहाँ पे मिल चुका है 200% 6 स्टार। तो हमारा हो चुका है सपना पूरा, लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिस करना है सारे के सारे बारबेरियंस के साथ, जो स्ट्रेटेजी हम लोग कभी बाद में दिखाएंगे, और बाद में 3 स्टार के साथ साथ 6 स्टार भी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, बाय।